14 माह के बावजूद डिलीवर नहीं कर पा रहे, क्यों? बिगनिंग नहीं हुई डिलीवर क्या? देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि इमरान खान साहब इतनी बड़ी कामयाबी समेटने के बाद झोली में मुस्तकिल मसाइल भर रहे हैं और ये 14 महीने से ना रुकने वाला सिलसिला है। तवक्कुआत का पहाड़ इन्होंने आते ही खड़े कर दिया। 100 दिन के अंदर इन्होंने कहा कि मुल्क की किस्मत बदल देंगे। भाई, माजी की हुकूमतों का भी लेना देना है, मुल्क के निज़ाम के अंदर बुनियादी नकाइस हैं, ये सारा खराबी जो है वो तहरीक इंसाफ की हुकूमत की नहीं है, लेकिन आप सिमत तक का तयन करने में क्यों डगमगा रहे हैं, क्यों लड़खड़ा रहे हैं? दो बार आप तब्दीलियाँ कर चुके हैं, देखे यानी कि 18 गैर मुंतखब लोग आ चुके हैं, मुशर्रफ साहब के दौर के लोग हैं, पूरी आपकी जो माशी जो टीम है वो पूरी तब्दील हो गई है, फिर फिरदौस आशिक वान साहिबा हैं, फिर हफीज शेख साहब हैं, जा शाह साहब हैं, आप नाम लेते रहिए, नाम नहीं, मैं कह रहा हूँ इसका मतलब ये है कि आपका होमवर्क सही नहीं था। आपने तो हमें ये यकीन दिलाया था और आपने ख़ासतौर पे अपने सपोर्टर्स को ये यकीन दिलाया था कि आपकी तैयारी मुकम्मल है, आपको पूरे मुल्क के निज़ाम के नकाइज पता है। मैं समझता हूँ कि लड़खड़ाने की वजह यही है कि आपने तवक्कुआत इतनी खड़ी कर दी और अब तक आप बुनियादी पुलिस रिफॉर्म, सिविल सर्विसेज के रिफॉर्म्स, बुनियादी जो आप असलाहत लेकर आ रहे थे वो आप नहीं लेकर आए। आपकी सारी वजारतें, आप देखिए आयरनी देखें, आप 134 इदारों में एडहॉक बेसिस पे सरबराह लगे हुए हैं, पीएसओ, सोई सदन गैस, 134 इदारों में सीनियर मैनेजमेंट या फिर उनके जो हेड्स हैं सरबराहान, वो अपने एडहॉक बेसिस पे लगाए हुए हैं। भाई ये क्यों हो रहा है? यानी कि आप एडहॉक बेसिस पे हुकूमत चला रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि मिनिस्ट्री अपना काम नहीं कर रही। कल वो बहुत गुस्से में थे और आज भी सुना है, कल तो उन्होंने काफ़ी खबर भी ली है और जो पार्लिमानी जो कमेटी के मेम्बरान थे उन्होंने बहुत शिकायतें की हैं वज़रा की। दूसरा ये कि नदीम बाबर साहब और रजाक दाऊद साहब, जिनका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट है, अब इनके जो नोट्स हैं, इनकी जो फाइलें हैं वो देख रहे हैं, उसको रोका हुआ है कि भाई क्या क्या नकाइस है, क्योंकि GIDC का 208 अरब रुपए का जो मसला था वो उससे काफ़ी हद तक हुई, काफ़ी जो है ह्यूमिलिएशन का सामना करना पड़े। सबसे बड़ी बात यह है कि आप तब्दीलियाँ ला रहे हैं लेकिन आप पंजाब के अंदर बुज़दार साहब की तब्दीली नहीं कर रहे। बुज़दार साहब की तब्दीली बार बार आपको जिम्मेदारान बता रहे हैं, इनमें अहलियत नहीं है, सीधे आदमी हैं, सादा आदमी हैं, उनकी ग्रुपिंग नहीं है, लेकिन अगर आपका तंजीमी ढांचा पंजाब में कमज़ोर है और अगर आपकी जो ग्रुपिंग हुई हुई है, 4-5 ग्रुप्स हैं पंजाब में, महीन धागे पर आप इख्तदार संभाला हुआ, ये भी हकीकत है, लेकिन ऐसा सूबा जिसमें इमरान खान साहब की ज़िद माजरत के साथ और बुज़दार साहब का वहाँ पे अटकना, ये नून लीग को एक जिला बख्शने के मुतरादिफ है। वहाँ पे अगर शहबाज शरीफ साहब की जगह कोई होगा, सुबह शाम दुआएं से पड़ेगा कि बुज़दार साहब को आप ना करें। एक आखिरी जुमला, एक आखिरी जुमला उस पर बात जब जाएगा। देखिए, जो दरख्त का तना है ना, वो अगर कमज़ोर है तो शाखें बदलने से कुछ नहीं होगा। तना कमज़ोर है पंजाब की हुकूमत का और वो बुज़दार साहब तना है। शाखें आप बदल लें जितनी, लेकिन ढांचा आपका, इंतज़ामी ढांचा भी, हुक्मरानी का ढांचा भी, गवर्नेंस का भी ढांचा, 11 करोड़ लोगों का, और आपके जो रिवायती हरीफ हैं नून लीग, उनका गढ़, अच्छा बुरा जो भी आप समझ लें, उनका गढ़ तो आप वहाँ पे जगह दे रहे हैं और अपने अपने लिए मुसीबतें इकट्ठी कर रहे हैं।